दिन तो 20 तारीख को जब मैं गया तो मैंने ये उचित समझा कि सबसे पहले मैं त्रेतानाथ ठाकुर के मंदिर में जाऊं, और वहां मैं गया तो फिर उन्होंने कहा कि फिर मैंने कहा कि दूसरे दिन सुबह मुझे पूजा करनी है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा दिन है, एकादश का दिन है, आप आइए और पूजा करिए। हमने पूजा आराधना की, वहाँ भी बहुत अच्छी से तरह से पूजा हुई, और फिर दूसरे दिन तैयारी हो गई 22 तारीख की कि जाकर हम पहले दर्शन करेंगे। और जब वहाँ गए तो इतने संत थे और इतने फिर महानुभाव थे आए हुए कि इतनी भीड़ हो गई कि लाखों लोग वहाँ पर उपस्थित रहे। तो उस दिन तो मैंने सोचा कि आज जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मंदिर में जाना है तो शांति से जाएंगे। और साथ में जो दो साथी मेरे साथ थे, पुजारी जी और यशोदानंद जी, ये तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं थे उस दिन। पहले दिन इनको आना भी नहीं था, अब सबको बंदिशें थी, तो मुझे लगा कि इनको भी लेकर दूसरे दिन चलेंगे। और दूसरे दिन हम चले, और चले तो कम से कम 3 लाख लोग थे उस दिन। उस दिन भी भीड़ थी, लेकिन इतना बढ़िया इंतज़ाम था, व्यवस्थित तरीके से गए। हमको ले जाते थे एक एक जत्थे को, फिर एक जगह थोड़ा पड़ाव देना, फिर भेजना, और अब आराम से दर्शन किए। और ऐसा लगा कि सारे ना केवल ऊपर मंदिर में, सारे में ऐसा वातावरण था कि नाच रहे हैं लोग, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, राममय हो गया सारा ही देश। देश क्या विश्व में भी कई कई तो कहीं दूसरी जगह से, नेपाल से भी बहुत लोग आए थे और अपने अपने पहरावे में आए, और इतना अच्छा लगा। और अभी भी दिन से रात से नाची नाच के नाच रहे हैं लोग, तो एक बहुत बड़ी बात हुई है। और प्रधानमंत्री जी के भी इतना छत्र छाया रही कि उन्होंने अब ये कह दिया कि भाई तुम मंत्री वगैरह कुछ दिन मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने से फिर सिक्योरिटी रीजंस हो जाते हैं, तो लोगों को असुविधा हो रही है, इसलिए रुक के जाओ, पहले लोगों को निपटने दो। ना जाने कहां कहां से लोग आते हैं, इस प्रकार का दृश्य देखने उसका वर्णन नहीं कर सकते। और अब तो ये भी कह दिया है कि भाई आप लोगों को दर्शन करने के लिए बिल्कुल आराम से जाना पड़ेगा। और हैरानी की बात है, इतना इतनी इतनी लोग, 3-3, 4-4 लोग चल रहे हैं, तो भी कोई अव्यवस्था नहीं थी, लोग बड़े शांति से फिर दर्शन पा रहे थे। देखिए, इस देश में राम भगवान की बड़ी जगह है, राजा राम हैं, और हिंदू धर्म है वो केवल ना केवल हमारे हैं, उनके होने से कई कारीगर बंधुओं को भी जो है सुविधा मिल रही है काम की। क्या ये जो बेचारे मुस्लिम कारीगर हैं उनको भी रोज़गार मिला हुआ है, और मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों ने में भी वो खुशी का लहर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और देश के लिए तो एक बड़ी बात है, अब उसका वर्णन किन शब्दों में करें। सब लोगों की आंखों में आंसू थे, और खुशी से नाच रहे थे, और खुशी के आंसू थे। और जो भी लोग जाते हैं आजकल रात को भी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, रात रात भर भी इस प्रकार के लोग हैं कि जो कीर्तन करते हैं, भजन कर रहे हैं। गढ़ी, हनुमान गढ़ी में भी बहुत भीड़ है, इसलिए मैं देखता हूं कि जो घाट थे अब इतने बढ़िया बन गए, गंदगी कहीं नहीं रही, अयोध्या पहचानी नहीं जा सकती। मैं तीसरी बार गया अयोध्या, इधर उधर गंदगी के ढेर थे, लेकिन जो लोग आए हैं
वो भी श्रद्धा से खुद ही अपने साफ सफाई कर रहे थे। कुछ माताएं बहनें वहाँ पर पोछा लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं सफाई का, ये सब है। सीडी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।